इसराइल के प्रधानमंत्री का कहना है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था से चोरी किए गए दस्तावेजों की मदद से अपने प्रतिबंधित परमाणु कार्यक्रम की जानकारी छिपाई है। एक वीडियो में इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा कि ईरान ने दुनिया से झूठ बोला है और ईरान अब फिर झूठ बोल रहा है। उन्होंने कुछ दस्तावेजों को दिखाकर दावा किया कि ये ईरान के धोखेबाजी के प्लान की कॉपी हैं। इन दस्तावेजों पर फारसी भाषा में लिखा है कि ईरान को एक कवर स्टोरी की जरूरत है। वहीं ईरान कहता रहा है कि वह कोई गोपनीय परमाणु कार्यक्रम नहीं चला रहा है और इसराइल के सबूत फर्जी हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी अगले हफ्ते ईरान के 3 अघोषित ठिकानों से मिले परमाणु पदार्थों पर अपनी जांच की रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। इसराइल ने इस रिपोर्ट के आने से पहले ईरान पर यह आरोप लगाए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने IAEA की ये रिपोर्ट देखी है। एजेंसी के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसी को उन ठिकानों पर जो मिला उसे लेकर ईरान भरोसेमंद तकनीकी स्पष्टीकरण नहीं दे सका है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये रिपोर्ट निष्पक्ष और ईमानदार नहीं है। पश्चिमी देशों को शक है कि ईरान प्रतिबंधों को नजरअंदाज करके परमाणु हथियार विकसित करने पर काम कर रहा है। ईरान हमेशा से ही इससे इनकार करता रहा है। एक तरफ ईरान इसराइल के अस्तित्व को नकारता है तो दूसरी तरफ इसराइल ईरान को न सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि दुनिया के लिए खतरा मानता है। ईरान पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें राहत के लिए 2015 में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच समझौता हुआ था। अमेरिका 2018 में इस समझौते से बाहर हो गया था जिसके बाद ईरान ने कहा कि उस पर लगे प्रतिबंध न हटाए गए तो वो परमाणु संवर्धन तेज करेगा। बीते सोमवार को IAEA ने कहा कि 2015 के समझौते के तहत ईरान को जितना परमाणु ईंधन रखने की इजाजत है उसकी जांच में उसके पास इससे 18 गुना ज्यादा ईंधन पाया गया है। इसका इस्तेमाल रिएक्टर का ईंधन बनाने में किया जाता है और परमाणु बम बनाने में भी किया जा सकता है। अपने वीडियो संदेश में बेनेट ने कहा कि उनके हाथ में ईरान के झूठ का सबूत है। बेनेट ने कहा कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु संस्था से दस्तावेज चुराए और फिर उनका इस्तेमाल ये पता लगाने में किया कि एजेंसी उसके ठिकानों पर क्या तलाशने की कोशिश करेगी। इसी के इर्द गिर्द ईरान ने कहानियां गढ़ी और फिर सबूत छिपाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इसराइल के एजेंटों ने 2018 में तेहरान के एक वेयरहाउस पर छापा मारा था। इस दौरान उन्हें ईरान के झूठ के सबूत मिले थे। इसराइल के प्रधानमंत्री ने इन दस्तावेजों की कॉपी भी पत्रकारों को दिखाई और फारसी में हाथ से लिखे नोट दिखाते हुए दावा किया कि ये ईरान के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जादेह के लिए लिखे थे। इस नोट में लिखा है, आज नहीं तो कल IAEA हमसे इस बारे में विस्तृत जानकारी मांगेगी और इसके लिए हमारे पास एक पक्की कवर स्टोरी होनी चाहिए। फखरी जादेह की साल 2020 में तेहरान में सैटेलाइट से नियंत्रित मशीन गन से हत्या कर दी गई थी। ईरान ने हत्या के लिए इसराइल और देश से निर्वासित विपक्षी समूह को जिम्मेदार बताया था। इसराइल ने ना ही इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और ना ही इससे इनकार किया था। ईरान इससे पहले कह चुका है कि इसराइल ने वेयरहाउस से जो दस्तावेज हासिल किए हैं वो फर्जी थे।